कैथल के डेरा गदला गांव की पंचायत के खाते से 2 दिन पहले 14,32,000 रुपए की RTGS श्री गणेश ट्रेडिंग कंपनी को करा दी गई। निवर्तमान सरपंच के मोबाइल पर पेमेंट निकाले जाने का मैसेज आया तो इसका खुलासा हुआ। गांव की निवर्तमान सरपंच, सरपंच प्रतिनिधि व पंचों का आरोप है कि ये राशि BDPO व ग्राम सचिव ने मिली भक्त कर निकाली है। गांव में इस राशि से न ही कोई विकास कार्य हुआ और न ही विकास कार्य के लिए कोई निर्माण सामग्री पहुंची। फिर इतनी भारी भरकम राशि श्री गणेश ट्रेडिंग कंपनी को पेमेंट किस काम के लिए की गई? पंचायत खाते से राशि निकाले जाने पर ग्रामीणों में रोष है। ग्रामीण इस मामले को लेकर गांव में इकट्ठे हुए और कैथल उपायुक्त प्रदीप दहिया से मिले और उन्हें ज्ञापन दिया और इस मामले में उन्होंने जांच की अपील की है। मेरा नाम वीरपाल कौर है, मैं ग्राम पंचायत डेरा गद्दा की सरपंच हूँ। ये डेरा गर्जा सिंह है, वो भी हमारी पंचायत में ही आता है। तो उसमें क्या किया है, BDPO ने 14,32,500 की पेमेंट जो है वो निकलवा ली गई है। और इसमें जो पेमेंट जो निकलवाई है वो बिना मतलब कोई भी रनिंग पेमेंट निकलवा ली है। कुछ भी उधर मटेरियल या कुछ भी हमने जो बनवाना था डेरा गर्जा सिंह में, कम्युनिटी हॉल, जिम, कुछ भी वहाँ पे अभी नहीं पहुँचा मटेरियल भी। और ये पेमेंट जो है फ्रॉड से ही निकलवा ली गई है। तो मैडम क्या कुछ कहना चाहोगे, प्रशासन से क्या मांग करना चाहोगे इस पूरे मामले को लेकर? मैं यही चाहती हूँ कि जो ये पेमेंट्स निकलवाई गई हैं इसके बारे में पूरी जाँच की जाए और इनको मतलब इनके खिलाफ कोई केस दर्ज किया जाए 420 का। मेरे को मैसेज आया है, ये आप देख सकते हो मेरे फ़ोन पे ये मैसेजेस हैं। इसमें यही लिखा है कि 14,32,530 रुपये डेबिट कर लिए गए हैं और ये RTGS हुई है पंजाब नेशनल बैंक से, कैथल से, श्री गणेश ट्रेडिंग कंपनी के। श्री गणेश ट्रेडिंग कंपनी में जो की है उनके द्वारा कोई मटेरियल, कोई सामान आपके वहाँ? कोई मटेरियल नहीं है, आप फोटो भी देख सकते हो, हमने फोटो भी खिंचवाई है, उसमें कोई मटेरियल नहीं है वहाँ पे, कोई कुछ नहीं है, आप देख सकते हो सारी फोटोज भी हमने वहाँ पे मतलब की हुई हैं, वीडियोस बनाई हुई हैं। आज हम सरपंच सभी उपायुक्त महोदय को मिलने के लिए आए हैं, जो कल आपके सामने मामला आया था डेरा गदला में 14,00,000 रुपए की जो राशि है उसकी रनिंग पेमेंट कर दी गई, जो कि ये तो गांव की अमानत है। जब तक नई पंचायतें नहीं बनती तब तक हम ऐसी राशि जो गांव की ठेके से, ज़मीन से और इन सोर्सेज से पैसा आया है, इनको इस्तेमाल करना बिल्कुल गैरकानूनी है, गलत तरीके से इसको इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरी बात, जिस कार्य के लिए ये रनिंग पेमेंट हुई है वहाँ आपने धरातल पर भी देखा, एक भी वहाँ ब्लॉक नहीं, एक भी ईंट नहीं, एक भी रोड़ा नहीं, कोई जिम का सामान नहीं। ये सीधा सीधा हम ये कहते हैं कि इसमें फ्रॉड है और इसमें कहीं ना कहीं जो करप्शन की है गंध आ रही है। कितनी लिमिट है सर BDPO द्वारा पैसे निकलवाने की और क्या आदेश है सरकार द्वारा? 25,000 रुपये, चाहे वो सरपंच हो चाहे BDOs हो, 25,000 रुपये मेंटेनेंस के लिए आप पैसे निकाल सकते हैं। रनिंग पेमेंट की भी कुछ लिमिट है कि आप 10% 15% कर सकते हैं, अगर वो काम चलता हो, काम चल रहा हो तब निकाल सकते हैं, ग्राउंड पे आपके कुछ नहीं है। और ऐसे ऐसे भ्रष्टाचार के मामले बाहर निकल के आ रहे हैं, ऐसे ऐसे पैसों का दुरुपयोग हो रहा है पंचायतों का, जैसे आगे पंचायतें बननी नहीं है, ऐसे पैसे का इस्तेमाल किया जा रहा है जैसे आगे पैसे का ज़रूरत नहीं है। हम आज भी उस बात पर खड़े हैं कि जब तक नई पंचायतें नहीं चुनी जाती इन बातों पर पूरा पहरा देंगे, पंचायतों का पैसे का दुरुपयोग नहीं होने देंगे। जो अधिकारी इसमें सम्मिलित होंगे उनकी आज शिकायत उपायुक्त महोदय के पास आए हैं, उपायुक्त महोदय पे हमें पूरा भरोसा है कि वो इसकी निष्पक्ष जांच करवाएंगे, जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। अगर ऐसी बात आती है कि यहाँ से भी हमें न्याय नहीं मिलता तो आगे के दरवाजे खुले हैं, चाहे कोर्ट में भी जाना पड़े। जी, हमारे गाँव में एक डेरा गर्जा सिंह पड़ता है, वहाँ पे थोड़ा सा काम होना था। हमने BDO साहब से रिक्वेस्ट करी कि ये हमारा काम करवा दो, एक कम्युनिटी हॉल बनाना है वहाँ और एक ओपन जिम लगानी है और एक पार्क बनानी है, एक ही जगह पे एक किला एक एकड़ ज़मीन लेके उसमें हमने सारा कुछ तैयार करना था। तो वहाँ पे इन्होंने जो बनाना था वो तो वहाँ ना एक ब्लॉक गेड़ा, ना एक ईंट गेड़ी, ना सीमेंट कट्टा, कुछ भी नहीं है। वहाँ कल देख के भी आए हैं कुछ भाई और उसकी फ़ोटो भी खींच के मैं साथ लाया हूँ सबकी। तो वहाँ 14,32,530 रुपये इन्होंने पहले ही निकलवा लिए फ्रॉड करके, वहाँ पे नहीं लगा कुछ भी। जो इन्होंने पहले एक गली बनाई हुई है पर ना उसकी पेमेंट इन्होंने करवा ली, वो मेरे पास सारे सबूत हैं, उनकी पेमेंट इन्होंने निकलवा लिया सारी।
इसमें कोई काम नहीं करा तो उसकी 14,32,000 रुपये इन्होंने पहले ही निकलवा लिया। काम वहाँ कुछ भी नहीं, ना कोई मटेरियल है ना कोई काम करा। क्या क्या काम करवाया जाना था उस अमाउंट का? उसमें एक कम्युनिटी हॉल बनाना था बहुत बड़ा, और एक पार्क बनानी है, एक उसमें जिम, ओपन जिम लगानी है लेडीज़ के लिए, और एक ट्रैक बनाना है लेडीज़ के लिए सैर करने के लिए। क्या कार्रवाई की गई इस मामले में? अब शिकायत कहाँ दी गई? आज हम आए हैं, कल छुट्टी थी, बकरीद की छुट्टी थी, आज हम डीसी साहब के पास आए हैं। अब सारे सरपंच भी आए हैं और गांववासी भी आए हैं, अब हम डीसी साहब से मिलेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे इनके ख़िलाफ़ जो इन्होंने ये फ्रॉड करा है, इनकी इंक्वायरी करके इनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज करके इनको जेल में डाला जाए, क्योंकि और भी कईयों को कान हो। ये अभी कल और आज अखबारों में पड़े हैं मामला, और अगर ऐसा करे काम मौके पर नहीं हुए तो इसकी जाँच कराएगी इसकी। सर कितनी लिमिट है जो BDPO जो विड्रॉ कर सकती है पंचायती फंड से? BDPO कितनी पावर है, कितने पैसे निकलवा सकते हैं? वो अलग अलग है, उसमें अगर कोई इमरजेंसी है उसके लिए 25,000 है, और फंड इसके हिसाब से अलग कम या ज़्यादा उसका है। जो सर 14,32,000 रुपये निकलवाले हैं, तो जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के जो आदेश आए हैं उनकी अकॉर्डिंग क्या वो सही है, सही पैसे अमाउंट निकल गई है? उसमें देखेंगे उसका, अगर उसमें 14,00,000 बिना किसी की परमिशन के उसने सीधे तौर पर निकलवा लिया है तो उसकी फिर जाँच कराएंगे हम। तो जाँच के लिए अभी कोई कमेटी गठित की है? नहीं, अभी कोई ऐसा ना तो लिखित में आया, और इसको अखबार की ओरिजिन को ले गई हूँ। कमेटी गठित की गई है? नहीं, अभी कुछ नहीं, कमेटी गठित की गई। तो क्या एक्शन लिया जाएगा उसकी जांच कराने के बाद? जो तथ्य सामने आएगा उस पर एक्शन लिया जाएगा।